हम हैं हसीना मलिक, इस थाने की SHO. आप जरा इत्मीनान से बताइए कि क्या परेशानी है. अभी क्या बोलेगा मैडम. एक्चुअली आजकल कोई भी पेरेंट्स अपना बच्चा लोग का कंप्लेंट सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता है. दे शुड नो कि उनका बच्चा लोग किस डायरेक्शन में जा रहा है. बट नहीं, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर पे छोड़कर सब बिजी, किसी के पास टाइम. अरे मैडम, थोड़ा तो टाइम होना चाहिए कि देखे, चेक करे कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है. बट नो इंटरेस्ट मैडम. अभी ये बच्चा का फ्यूचर और अपना कंट्री का फ्यूचर के लिए मैं इधर आया. हमारा नाम नाम्बिया, रिटायर्ड टीचर. मेरे को मालूम आप कंफ्यूज हैं. मैं समझ गया, मैं भी दिखता है. ये देखो मन, कल मैं इन सब बच्चों को ये नोटबुक दिया और बोला अपना अपना नाम लिखने का. आपको पता हो क्या लिखा? सी, आई एम सॉरी, लेकिन ये सही तो लिखा है. आप ही ने कहा ना कि आपका नाम नाम्बियार है, तो गलत क्या है फिर? नहीं मैडम, आप नहीं समझ रही हैं. देखिए ये देखिए मैडम, ये नाम्बियार को नबूरे नहीं बोल रहे हैं, ये लोग नेबर अंकल को नेबूरे अंकल बोल रहे हैं. नेबूरे नहीं, नाम्बियार अंकल. रॉन्ग बेटा, नाम्बियार. वन मिनट, नोटबुक निकालो. ये नेबर और ये नाम्बिया. अरे हम नेबुरे को ही नेबुरे बोल रहे हैं. अच्छा, ये सब कहाँ सीखा आपने? स्कूल से. वीडियो बनाओ. प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम. गूगल को गूगले, फ्यूचर को फटूरे और एप्पल को एप्पले. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैडम, हमारा कंट्री का फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है. 35 इयर्स हो गया मेरे को टीचिंग करते हुए मैडम, इसलिए मेरे को ये एजुकेशन का वैल्यू मालूम. मैं आप लोग से हाथ जोड़कर हेल्प मांगता हूं मैडम, आप प्लीज कुछ करो, पता लगाओ ये कौन लोग हैं जो हमारा बच्चा का, हमारा कंट्री का फ्यूचर बिगाड़ने में लगे हुए हैं. अभी तो बाइक थोड़ा धीरे चलाया करो. इसे धीरे कहाँ चलाएंगे? मम्मी, प्लीज बाप. देखा, आज भी हमारे कितनी लोकप्रियता है बच्चों में. अच्छा, हमको देखकर खुश हो गए. खुश नहीं हुए पुष्पा जी, डर के चिल्ला के भाग गए. बाल ठीक कीजिए आप. हाँ ठीक है ठीक है. शिव जी, आप तो जानते हैं ना कि हमारी क्या इच्छा है. हम भी चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी पोते पोतियां हो जिनको हम स्कूल छोड़ने के लिए आए. और एक आप है कि आप समझती नहीं है. एवरीबॉडी साई विथ मी. एफ यू एफ यू टी यू टी यू आर ई आर ई फुटूरे फुटूरे यन ए टी यू कर रही हैं पुष्पा जी. हमें तो चक्कर आ रहा है. पुष्पा जी, यहाँ ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा. हम स्कूल में खड़े इन्वेस्टिगेट करने आए हैं. वही तो, ये स्कूल है ये, और यहाँ ये पढ़ाया जाता है. बाप रे बाप, नेचर को नुटुरे, फ्यूचर को फुटुरे. अब ये पढ़कर ये बच्चे बनेंगे डॉक्टर और साइंटिस्ट? नहीं पुष्पा जी, सही कह रही है, खतरे में इन बच्चों का फटूरे. फ्यूचर फ्यूचर. वेरी गुड. Yes, please. What do you want it? आप लोगों को क्या चाहिए? हमको, हम महिला पुलिस थाना से हैं. Yes, yes. I can see your uniform. Uniform सी सकती है? नहीं, मगर हमारे यूनिफॉर्म तो कहीं से फटा नहीं. फटा है क्या पीछे से? No, 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 no. You do not understand. I can see. मतलब I can see. देख 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 सकती हूँ. Right. देख सकती है. Anyway, tell me, what you want it? आपका नाम क्या है?
ओह माय माय सेल्फ स्टार्ट अपर्णा एंड योर सेल्फ एंड हमारा नाम करिश्मा सिंह हम ऐसा है करिश्मा सिंह है ये है कांस्टेबल पुष्पा सिंह है आपसे सवाल करने आए हैं यहाँ पर सुरे सुरे असक हिंदी में बात कर ले नो 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 इन स्कूल टीम में हिंदी स्पीकिंग नॉट अलोवेड मतलब ये कि स्कूल के वक्त में आप हिंदी में बात नहीं कर सकते अच्छा अच्छा मैडम उन्हें थाने लेके चलते हैं वहीं जाके पूछताछ करेंगे यहाँ तो अंग्रेजी के हमले कर करके हमें मार देगी वहाँ क्या तरीके से पूछताछ करेंगे कुछ तो हाथ में आएगा है ना तो देखिए हम आपको हमारे साथ इंग्लिश 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 ओनली इंग्लिश स्पीकिंग हाँ ठीक है ठीक है ओके आए Take you to Thane. Thana? To question. Understand? Yes, yes. Why not? Your English? Good, good, huh? चलिए. Yes, yes. One minute. I come. You rest. हाँ हाँ. Coming. प्रणाम सर. सर महिला थाने से पुलिस आई हुई है हमें साथ में ले जाने की बात कर रही है नहीं नहीं हमें माजरा नहीं पता कि क्या हुआ है बस वो कह रही है कि साथ में चलिए सर कुछ करिए जल्दी करिए हाँ सर जी जी धन्यवाद प्रणाम Why are you people looking at me लिखे दिस बाप रे असक व्हाट यू वांट टू असक आई हैव नो टीममेट का दीदी मेरा मतलब मेरे पास वक्त नहीं है वाओ ग्रेट मैडम ग्रेट देखो अंग्रेजों देखो कहा हो तुम देखो 200 साल के बाद अंग्रेजी का ये मैडम इंतकाम ले रही है तुम्हारी अंग्रेजी की धटिया उड़ा रही है मैडम आई एम प्राउड ऑफ यू ए बिल्लो चुप मां बक अरे देखिए आपने कहा था कि आपके स्कूल में नियम है कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते मगर अभी आप थाने में हैं तो आप यहाँ हिंदी में बात कर सकती है हाँ प्लीज नो 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 I love talking English. सुनिए हमारे दिमाग का चूरन हो रहा है आप एक काम कीजिए आपसे जो पूछा जाएगा ना इसमें आप लिख कर बताएंगी बोल कर नहीं क्या यहाँ पे हर किसी को अंग्रेजी समझ में नहीं आता समझ रहे हैं हमारी बात को ना किसी किसी को आता है हमको नहीं आता है हाँ तो लिख कर प्लीज आप अपना नाम बताइए आपका पूरा नाम ए पी A R N A Aparna B A N S A L Bansal Aparna Bansal आपके qualifications क्या है MA Med You mean M.A. M.Ed. Aces. आप ये भी कह सकते हैं हाँ सी माई डिगरी इज अरे माई डॉक्यूमेंट जी कहिए एडवोकेट श्रीकांत मिसेस अपर्णा बंसल का वकील मैंने सुना आपने मेरे क्लाइंट को बिना किसी चार्ज के उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ थाने में बिठा कर रखा हुआ है मत भूलिए कि मेरी क्लाइंट एक टीचर है समाज का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ आप इनके साथ इस तरीके की मनमानी नहीं कर सकते हम कोई मनमानी नहीं कर रहे और हमने उन्हें यहाँ पर जबरदस्ती बिठा कर नहीं रखा है एक केस के सिलसिले में हमें इनसे कुछ सवाल जवाब करने थे इसलिए इनको बुलाया था और हमारी इंक्वायरी हो चुकी है आप जा सकती हैं सूर्य हाँ सूर्य
श्योर एस एस ऐसा भी कह सकते हैं आप श्योर श्योर बिल्कुल श्योर बिल्कुल श्योर आप जा सकती हैं थैंक यू मैडम सर आप जानती है इतना गलत उच्चारण से ये पढ़ा रही है सबको आपने तब भी इसको जाने दिया ये जो मामला जो दिखाई दे रहा है ना ये उससे ज्यादा पेचीदा है क्योंकि इस लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं ये लिखते वक्त इसकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है तो फिर उच्चारण इतना गलत कैसे कुछ तो है जो हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है और बहुत जरूरी है ये समझना बिल्लू हाँ आया मैडम सर जल्दी हाँ हाँ ओ डीएसपी सर ने मैडम सर व्हाट योर ऑर्डर्स प्लीज तुम्हें इस अपर्णा टीचर पर नजर रखनी होगी शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाएगी एक्सक्यूज मी आराम से संतोष शर्मा जी मैडम सर ये अपर्णा बंसल के स्कूल में एक ऑफिशियल मेल भेजिए और इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब मंगवा लीजिए जी मैडम सर ओके डिसमिस मैडम सर वो थोड़ा भटक रहे हैं मुद्दे से पर हमको जरूरी काम है तो हम आधे दिन का छुट्टी ले सकते हैं आप अंग्रेजी सीखने जा रही हैं कहाँ हम आपसे बाद में निपटते अभी हम मैडम सर से बात कर रहे हैं ना कल ले वो हाँ जाए मैडम सर आधे दिन का छुट्टी लेकर हाँ हाँ बिल्कुल आप जाइए अपने काम निपटा कर आ जाइए धन्यवाद मैडम सर जय हिंद मैडम सर जय हिंद जय हिंद मैडम सर ये बियर कैसा दिया है टेडी बियर कैसा दिया ए, ये क्या है भीख 2 रुपए 10 रुपए तो दे दो महंगाई कितनी है हट्टे कट्टे होकर के भीख मांगते शर्म नहीं आती आप भी हट्टे कट्टे हो 10 रुपए देने में शर्म नहीं आती क्या अरे प्रियाली तुम कहाँ थे तुम 2 दिन से दिखाई नहीं दी डांस क्लास भी नहीं आई हाँ वो स्कूल में थोड़ा व्यस्त थी सुनो मुझे माँ को दवाइयाँ देनी है okay. तो मैं चलती हूँ हाँ ठीक है प्रियाली क्या हम अंदर आ सकते हैं आप लोग अब क्या हुआ आप लोग यहाँ कैसे ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है बहुत हुआ तुम्हारा कबड्डी कबड्डी समझी अपर्णा बंसल उर्फ प्रियाली सिंह हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारा असली नाम प्रियाली सिंह है अब थाने चल के सच कहना बेटा कौन है ये लोग मेरे दोस्त हैं बस जा ही रहे हैं ये लोग और आप बाहर क्यों आई आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना और डॉक्टर ने कहा था कि बिस्तर पर ही रहना बेटा मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है मुझे जरा हॉस्पिटल ले चल हाँ 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 चलिए हम अभी अस्पताल चलेंगे आप पहले अंदर चलिए आराम से मैडम देखिए देखिए मैं मानती हूँ कि मेरा नाम प्रियाली सिंह है फिर काया पढ़ना बंसल के नाम से तुम नौकरी कर रही हो हर जगह मैं आपको सब बताने के लिए तैयार हूँ सब कुछ लेकिन इस वक्त मुझे अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाना बहुत जरूरी है उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है देखिए देर की तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी मुझे बस 2 घंटा दीजिए मैं उन्हें अस्पताल में दिखाकर सीधा थाने आऊंगी आपको जो पूछना है जो जानना है मैं सब कुछ बता दूंगी आपको सच में प्लीज 2 घंटे 2 घंटे में अगर तुम थाने नहीं पहुंची तो हम तुम्हें ढूंढकर ऐसी जगह डाल देंगे जहां से तुम जिंदगी भर नहीं निकल पाओगी हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते 2 घंटे में अपने आप थाने पहुंच जाना जी जी हम आ जाएंगे चलिए जी आप भी 2 घंटा बाद आएंगे नहीं चीता चतुर्वेदी कुछ पता चला नहीं मैडम सर वहां पर पता किया वहां पर है ही नहीं उसके घर पे ताला लगा हुआ है आस पड़ोस में पूछने पर पता चला कि जितना जरूरी सामान है सब कुछ पैक करके फुर हो गई है बताइए एकमात्र लीड था हमारे पास वो भी जज्बातों का चूरन चटा के निकल चुका है
ना जब वो बोल रही थी ना कि माँ की तबीयत खराब है, हमको लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन हमने बोला नहीं। ना मैडम सर को लगता ना कि हम इमोशनल नहीं है, इसलिए हमने नहीं बोला। सही है, बहुत सही है। जहाँ केसेस जो है जज्बातों के तबले की थाप पर चलेंगे ना, वहाँ अपराधी जो है ठुमका लगा के निकल जाएंगे। और निकल गए। करिश्मा सिंह, भूलिए मत कि आप किससे बात कर रही हैं। हम मुखालफत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बेअदबी नहीं। और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से आपकी गुस्ताखियां जो है बहुत ज्यादा बेलगाम होती जा रही है। हम कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो मन में आए आप बोलती चली जाए। सो कौन है, कौन आपको बार बार मैसेज कर रहा है संतोष शर्मा? कौन कर रहा है मैसेज संतोष? परेशान कर रहा है कोई? हमने आपको अपर्णा बंसल के बारे में मेल करने को जो कहा था, उसके बारे में क्या हुआ? जी मैडम सर, क्योंकि वो बहुत छोटी स्कूल है, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय की सेंट्रल आईडी पर मेल फॉरवर्ड कर दिया है। ओके। अब हर जगह से, हर स्कूल से मेल आ रहे हैं, लेकिन बस वो एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है, तो उसी का वेट कर रही हूँ। चेक कीजिए, हो सकता है उन्हीं से। जी इतने सारे मेल्स, वो भी सिर्फ अपर्णा के? क्या हुआ? मैडम सर ये देखिए, हर स्कूल में अपर्णा बंसल नाम की टीचर है। क्या? का? हाँ, और हर स्कूल में अपर्णा बंसल नाम की टीचर इंग्लिश ही पढ़ाती है। हैरानी की बात तो ये है मैडम सर कि ये अपर्णा बंसल जो है, उनके डॉक्यूमेंट्स और ये 40 स्कूल में जितनी भी अपर्णा बंसल है उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, जैसे कॉपी पेस्ट किया हो। व्हाट? कब बात कर रहे हैं? इसका मतलब अपर्णा बंसल नाम की टीचर 40 स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाती है और हर किसी के डॉक्यूमेंट सेम है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही रहा है पुष्पा जी, ये तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये जो भी औरत है, ये ना ही सिर्फ 40 स्कूल में फर्जी टीचर का काम कर रही है, बल्कि 40 सरकारी स्कूल से हर महीने तनख्वाह भी ले रही है। हाँ। हमने जो सोचा था ये केस उससे कई गुना ज्यादा बड़ा और गहरा है। थैंक यू सो मच बबलू भाई, थैंक यू वेरी मच। ए केबिन आ गई। ओह सॉरी मैडम सर। मैडम सर मुबारक हो, मेरा खबरी नेटवर्क 129 से मुझे पता चला है कि वो प्रियली कहाँ पे है। छोड़ दो, मैं हार गई। आप सब लोग क्या देख रहे हैं, जाइए अपना अपना काम कीजिए। मैडम सर, इसकी ऐसी इंग्लिश के लिए ना इसका एनकाउंटर बनता है, उड़ा दीजिए इसे। नो नो, एनकाउ अंतर ऐसा कहते हैं। और आप करिश्मा जी, आप अगर यहाँ ऐसे बैठने वाली थी तो हमको पहले ही बता देती ना, काहे दौड़ाया हमें इतना। ना आपका गोलगप्पा और चाट पापड़ी भी तो निकलने चाहिए ना शरीर से। हाँ, डोनट हिट। अमा चुप, तुमने एक शब्द और अंग्रेजी का बोला, ऐसा देसी मार लगाएंगे ना कि कोई अंग्रेज तुम्हारा हड्डी नहीं जोड़ पाएगा। समझ रही हो हमारी बात को? हिंदी में बात करो। नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं कहेंगे, अब सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। मेरा नाम अपर्णा बंसल नहीं है, प्रियाली सिंह है। हम क्लासिकल नृत्यांगना है, भरतनाट्यम, कथक। बहुत बढ़िया। हमें काम नहीं था, इसीलिए पैसा कमाने के लिए जो भी काम मिल रहा था उसे मैंने अपना लिया। काम ये था कि नाम बदलकर स्कूल के बच्चों को पढ़ाना था, और मैं ही नहीं,
मेरी जैसी और भी औरतें और लड़कियां अपर्णा बंसल का नाम लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और हम सबको कमीशन मिलता है। कमीशन? तुम्हारा मतलब है सैलरी? नहीं नहीं, कमीशन। तनख्वाह तो सीधा अपर्णा बंसल के खाते में जाती है। तो तुम्हें क्या मिलता है? तनख्वाह का 20%। तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? बोलो। मैं 8वीं पास हूँ। गांव के स्कूल से पढ़ा है, वो भी हिंदी माध्यम से। तुम्हें शर्म नहीं? डीएसपी सर, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो क्या? हाँ हाँ सर, हम बिल्कुल समझते हैं, हम आ जाएंगे। जी सर बिल्कुल, जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? डीएसपी सर का फोन था, कह रहे थे कि एजुकेशन हेड कोई सतीश चौधरी है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। ये संजोग नहीं लग रहा है मैडम सर। अभी अभी तो आपने एजुकेशन के नाम पे चल रहे धांधली को कुरेदना चालू किया है और अभी आपको ऊपर से फोन आना शुरू हो गए। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम आपके साथ चलेंगे मैडम सर। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? आइए मिस मलिक, आइए। हमें SHO हसीना मलिक और ये हैं हमारी SI करिश्मा सिंह। आपने हमें बुलाया? जी, इनसे मिलिए। ये हैं। हाय, आई एम अपर्णा बंसल, द रियल एंड ओरिजिनल वन।